गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11 चैप्टर 9 जैसा आप पढ़ रहे हैं ऊष्मा गतिकी निकाल लीजिए। ऊष्मा गतिकी में हमने आपको लास्ट हेडिंग जो लिखवाई थी, किसी को मालूम है लास्ट हेडिंग? वीडियो देखा घर में, यही नहीं पता। पिछली क्लास में जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको लिखवाया था मानक एंथैल्पी, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, हेस का स्थिर ऊष्मा योग नियम करवाया था। हेस का स्थिर ऊष्मा योग नियम आज उसी के आगे नेक्स्ट हेडिंग डालना है। दो तीन हेडिंग बची है, हेडिंग डालो स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया। स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन, स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन, स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन, स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन डालिए। लिखिए जिन परिवर्तनों की अपने आप होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, अपने आप होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, अपने आप होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन कहलाता 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 है। जैसे जैसे लिख लो H2 हाइड्रोजन है प्लस O2 ऑक्सीजन, यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो निश्चित है स्वतः अपने आप क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? जल। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से अगर दूसरी रिएक्शन कभी कुछ नहीं बन सकता, जब भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मिल जाएगा जल ही बनेगा। बस हाइड्रोजन के दो अणु हैं, जल के दो अणु, ऑक्सीजन के दो अणु, ऑक्सीजन के एक अणु कितने लगा दें, दो, ऑक्सीजन के दो अणु, हाइड्रोजन के चार अणु कितने लगा दिए, दो। ये एग्जाम्पल हम कर लो, यानी वो क्रिया जो स्वतः अपने आप होती है, कुछ रिएक्शन जो आपस में क्रिया करती है उनसे और कुछ बन ही नहीं सकता उसके अलावा, उन्हीं को हम लोग स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन कहते हैं। दूसरी अड़क लगाओ अस्वतः प्रवर्तित परिवर्तन, अस्वतः प्रवर्तित परिवर्तन। देखिए जिन परिवर्तनों की अपने आप होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति, अपने आप होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है, स्वतः आप प्रवर्तित परिवर्तन कहते हैं, स्वतः अप्रवर्तित परिवर्तन कहते हैं, स्वतः अप्रवर्तित परिवर्तन कहते हैं, स्वतः अप्रवर्तित परिवर्तन कहते हैं।
ठीक, इसी का जस्ट उल्टा मान लीजिए, जैसे ये H2 हाइड्रोजन गैस थी, ये गैस थी, ये जल क्या था, लिक्विड था, एक द्रव होता जल। मान लीजिए अब हमने एग्जाम्पल लिख लिया, अब हमने जल ले लिया, द्रव से क्रिया करेंगे, ठीक है। अब हमारे क्या बनेगा, H2 और O2 बनेगा, बस यहाँ भी दो लगा दिए, H4 यहाँ दो लगा दिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बना। लेकिन क्या किया हमने कि इसमें से हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाया था, फिक्स था। अब हमने जल से क्रिया करी, डायरेक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, इसमें क्या हुआ कि निश्चित तो है नहीं कि जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन बने, हम दूसरी गैस भी बना सकते हैं, मतलब ऐसे H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड भी तो बना सकते हैं, क्यों, H4 है प्लस H2 यहाँ अलग लिख दिया, O2H2 ये भी तो क्रिया हो सकती है, यानी इसको स्वतः अपरिवर्तित क्यों कहते, फिक्स नहीं है, यही बने, इसमें फिक्स है ये बनेगा, तो इसे अपने आप होने की प्रवृत्ति होगी, इसमें अपने आप ये होगी, ये हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई एक उदाहरण ले लीजिए, इसे कहते हैं स्वतः अपरिवर्तित परिवर्तन। एडिंग डालिए नेक्स्ट, एंट्रोपी, एंट्रोपी उन लोग अच्छा मास लगा रहे हैं, पता ही चल रहा मुंह चल रहा कि नाक चल रहा, मास तो मैं बंद है, सब बातें भी हो रही है। एडिंग लिखो एंट्रोपी, एंट्रोपी लिखिएगा, एंट्रोपी में किसी निकाय की एंट्रोपी, किसी निकाय की एंट्रोपी, किसी निकाय की एंट्रोपी उसकी एंथैल्पी के समान, उसकी एंथैल्पी के समान, उसकी एंथैल्पी के समान उसका एक अभिलाक्षणिक, उसका एक अभिलाक्षणिक, उसका एक अभिलाक्षणिक ऊष्मागतिक गुण है, ऊष्मागतिक गुण है, ऊष्मागतिक गुण है। देखा, एंट्रोपी एक, एंट्रोपी एक निकाय का अवस्था फलन है, निकाय मतलब सिस्टम कंट्रोल में, एंट्रोपी निकाय का एक अवस्था फलन है, एंट्रोपी निकाय का एक अवस्था फलन है, निकाय का एक अवस्था फलन है, निकाय का एक अवस्था फलन है। देखा, नेक्स्ट है ना ऊष्मा गति का गति नियम, ऊष्मा गति का गति नियम, ऊष्मा गति का गति नियम, ऊष्मा गति का गति नियम। देखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार सारे चला रही हूं और आवाज क्लियर नहीं आ रही, मंद कर दो, दो तीन चलाओ। ये तो करो बस, ये तीन चला।
चलो छोड़ो, लिखो आगे। इस नियम के अनुसार लिखिएगा, परम शून्य पर पूर्ण व्यवस्थित, परम शून्य पर पूर्ण व्यवस्थित शुद्ध क्रिस्टली पदार्थ, शुद्ध क्रिस्टली पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। शुद्ध क्रिस्टली पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। परम शून्य पर पूर्ण व्यवस्थित शुद्ध क्रिस्टली पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। एंट्रोपी शून्य होती है। नेक्स्ट है मानक मोलर एंट्रोपी। नल ये मानक मोलर एंट्रोपी, स्टैंडर्ड मोलर डी एंट्रोपी। लिखिए, लिखो 25 डिग्री सेल्सियस और मानक परिस्थितियों में निर्धारित 1 मोल पदार्थ की एंट्रोपी मानक परिस्थितियों में निर्धारित 1 मोल पदार्थ की एंट्रोपी, 1 मोल पदार्थ की एंट्रोपी, 1 मोल पदार्थ की एंट्रोपी पदार्थ की मानक मोलर एंट्रोपी कहलाती है। पदार्थ की मानक मोलर एंट्रोपी कहलाती है। मानक मोलर एंट्रोपी कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, गिब्स मुक्त ऊर्जा। लिख लीजिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा निकाय की एक अवस्था फलन है। गिब्स मुक्त ऊर्जा निकाय की एक अवस्था फलन है। गिब्स मुक्त ऊर्जा निकाय की एक अवस्था फलन है। निकाय की एक अवस्था फलन है। एक अवस्था फलन है जो एंथैल्पी और परम ताप के गुणनफल के परिवर्तन को गुणनफल के
परिवर्तन को एंथैल्पी की गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। परिवर्तन को एंथैल्पी की गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जी बराबर फार्मूला होता है कैपिटल एच माइनस कैपिटल टी है। कैपिटल जी बराबर होता है कैपिटल एच माइनस टी है। कैपिटल एच माइनस टी है। लिख लिया जी पता है सबको क्या है यहाँ पर गिब्स मुक्त ऊर्जा है ना। एच क्या है एंथैल्पी परिवर्तन। टी क्या है एंट्रोपी देखती ताप एस एंट्रोपी नीचे तो जहां एच एंथैल्पी जहां एच एंथैल्पी कोमा टी एंट्रोपी सॉरी एस में एंट्रोपी लिखो टी पे परम ताप एच एंथैल्पी एस एंट्रोपी टी ताप है और जी बताइए गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है चैप्टर इस तरह से आपका एक आध दो हेडिंग बड़ी बची होगी कल में फिनिश हो जाएगी और अगला लेसन शुरू हो जाएगा। अगले लेसन से आप लोग शुरू से या इसी लेसन से अपना फेयर कॉपी कंप्लीट रखें जो छुट्टी उसको भी पूरा कर लें। ठीक है दो चार आठ दिन में फेयर कंप्लीट कर लें।